अमेरिका दौरे से लौटते ही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जायजा लेने पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। तो मोदी समर्थकों ने पीएम मोदी के गुणगान करने कर दिए शुरू, तो सोशल मीडिया यूजर्स ने किया बुरी तरह से ट्रोल। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर बन रहे नए संसद भवन के निर्माण कार्य को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को रात तकरीबन 8:45 पर निर्माण स्थल पर पहुंचे थे। पीएम मोदी रविवार को ही अमेरिका से अपने 3 दिवसीय दौरे को पूरा करके भारत वापस आए। ऐसे में उनका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का अचानक जायजा लिए जाने पर सोशल मीडिया पर रिएक्शन शुरू हो गए। कई केंद्रीय मंत्रियों ने पीएम मोदी की तस्वीर पर अपने रिएक्शन देते हुए उनकी ऊर्जा और लगन की तारीफ करनी शुरू कर दी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका की एक भारी और सफल यात्रा से लौटने के बाद 24 घंटे से भी कम समय में औचक निरीक्षण के लिए नए संसद भवन स्थल पर पहुंचे। राष्ट्रीय निर्माण के प्रति उनकी अथक सेवा वास्तव में प्रेरणादायक है। तो वही बीजेपी नेत्री बबीता फोगाट लिखती हैं कि 71 साल का महामानव 3 दिनों में 20 मीटिंग करके अमेरिका जाके वापस आ जाता है। मन की बात देश से करता है, दिन भर दफ्तर के कामकाज निपटाता है और रात को 8:45 बजे नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का निर्माण देखने बिना बताए पहुंच जाता है। तो वही पीएम मोदी की इस इंजीनियरिंग पोस्ट वाली तस्वीर पर कई सोशल मीडिया यूजर्स भी अपने रिएक्शन देते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। तो एक यूजर ने लिखा, इनसे ज्यादा ऊर्जावान तो वो कैमरामैन है जो प्लेन से लेकर यहाँ तक की लगातार तस्वीरें खींच रहा है। साहब तो सिर्फ पोज दे रहे हैं, कभी शास्त्री जी की तो कभी सिविल इंजीनियर की। तो शुभम चौधरी नाम के एक यूजर ने लिखा, एक बात तो है, कैमरामैन को ले जाना कभी नहीं भूलते प्रधान जी। तो सुजीत कुमार नाम के यूजर लिखते हैं, भाई इसको फुटेज वहाँ नहीं मिली तो उनकी भरपाई यहाँ कर रहे हैं। तो कीर्ति राज सिंह राजपूत नाम के एक यूजर लिखते हैं, पर जब उसी 24 घंटे कोई प्रश्न पूछो तो साहब कुछ बोलते ही नहीं। 3,000 किलो ड्रग्स किसने मंगवाया, किसानों के आंदोलन कब तक, किसानों की आय दुगनी कब तक, पुलवामा की जांच कब तक, बेरोजगारी कब तक, काला धन कब आएगा, 15 लाख कब तक, महंगाई कब तक, नोटबंदी का क्या फायदा हुआ। तो अजय सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा, काश ऐसे ही लॉकडाउन के समय जनता का दर्द कम करने के लिए जनता के बीच आते। साल भर होने को है किसानों के बीच उनका पक्ष सुनने आते। अपनी मन की बात तो बहुत करते हैं, कभी जनता के दर्द की बात भी करने आते। ऐसे कितने ही सोशल मीडिया यूजर हैं जो पीएम मोदी के इस फोटोग्राफ्स पर अपने रिएक्शंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।